इस वक्त हम लोग रामा मेडोज में हैं, अस्तोर में। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है टॉप का। जो इस वक्त लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के जो सताए हुए लोग हैं, वो यहाँ आके न सिर्फ इस मौसम से इंजॉय कर सकते हैं जिले अस्तोर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो ट्राउड है उससे भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। इस वक्त अस्तोर का खूबसूरत तरीन सियाती मकाम रमा में मौजूद हूँ। ये सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस वक्त रमा में सियाहों का एक बहुत बड़ा रश है, जो लोकल सियाह भी हैं, गैर मुल्की सियाह भी हैं, जो और गैर मुल्की सियाह भी मौजूद हैं। इस वक्त रमा में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से बेहतरीन इकदाम किए हैं। जो ज़िली इंतज़ामिया के जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है, उनका कहना है कि वो कोरोना SOPs को भी फॉलो करें, और यहाँ पर ज़िले महकमा सियाहत की तरफ से जो डस्टबिन रखे हैं उस पर अपना जो कचरा है वो सियाह उस पर डिस्पोज करें, ताकि रामा की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। अम्बा में जहाँ के वासी है, हम साए चांद सितारों अपना रुतबा जान के हम गिलगित बल्तिस्तान के सब फूल है एक गुलदान के हम गिलगित बल्तिस्तान के हम गिलगित बल्तिस्तान के हम दिल से पाकिस्तान के हम दिल से पाकिस्तान के। इस वक्त हम लोग रामा मेडोज़ में हैं, अस्तोर में, बिल्कुल रामा लेक से थोड़ा सा नीचे। और ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान, न के गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक टूरिज़म डेस्टिनेशन है टॉप का। यहाँ पे सालाना लाखों लोग यहाँ का विज़िट करते हैं, कंट्री वाइड और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर। तो इस जगह की जो ख़ास बात है, यहाँ पर जो मेडो है, आपको फॉरेस्ट्री मिलेगी, ग्राउंड्स मिलेंगे, आपको वाटर, ग्लेशियर, लेक्स, माउंटेन्स और इन सारे जो कुदरती अल्लाह की तरफ से जो नामते हैं उनका एक पैकेज मिलेगा इस शॉर्ट से विज़िट में। और ये बिल्कुल अस्तोर से 30 मिनट के डिस्टेंस पे आप अप हिल चले जाएं तो यहाँ पे वाकया है, और यहाँ से आप नांगा पर्वत का बेक फेस भी देख सकते हैं ऊपर से। तो यहाँ आने वालों के लिए, जिस तरह आपने कहा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि यहाँ आने वालों के लिए यही मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ये जो कुदरत ने हमारे लिए जो शाहकार बनाया है, यहाँ पे हम आए हैं इस अट्रैक्शन को देख के, इसकी हिफाजत हमने करनी है। यहाँ पे गंद नहीं फैलाना, यहाँ के नेचर का हमने केयर करना है। और क्योंकि जितना हम इसका केयर करेंगे, नेचर का ख्याल रखेंगे, उतनी ये जगह हमारी साल आ साल और ज़्यादा ग्रूम कर जाएगी टूरिज़म के सेक्टर में। तो मेरे लोकल लोगों से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है यहाँ के अस्तोर के, कि वो खुदारा टूरिज़म में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें। कुछ ही टाइम रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अस्तोर के अंदर विंटर टूरिज़म ने उठना है। जिस दिन विंटर टूरिज़म का ग्राफ अब चला जाएगा, तब से अस्तोर के लोगों में खुशहाली आ जाएगी, ये मेरा कहना है। और इस पर काफ़ी रिसर्च भी हमने किया है कि विंटर टूरिज़म के लिए सबसे जो टॉप की डेस्टिनेशन है पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में भी, दिवसे प्लेन्स हैं। वहाँ पे आप स्नो फेस्टिवल्स करेंगे, वहाँ पे आप स्नो गेम्स करेंगे, और इसी तरह का जो नेचुरल आपको मिलेगा, लुक मिलेगा पूरे अस्तोर में। अस्तोर को लैंड ऑफ पास्चर्स भी कहा जाता है। Oh, bravo.
ज़िला स्कोर जो है दुनिया का खूबसूरती में दुनिया का दूसरे नंबर है, ज़िला स्कोर को हासिल है। यहाँ पे इस वक्त हम जो मौजूद हैं रामा मेडोज़ नंगा पर्वत के दामन में, यहाँ पे तीन चार चीज़ें इस कदर मुश्तरक है जो कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे जो वसी मैदान है, उसके बाद यहाँ बेशुमार जो जंगलात यहाँ पे, फिर एक तरफ सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद पहाड़ हैं और तो दूसरी तरफ जो है बिल्कुल सरसब्ज़ पहाड़। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे झील हैं बहुत सारे, दो से तीन झील यहाँ पे मौजूद हैं। फिर बेशुमार चश्मे जो कि यहाँ पे इस ज़मीन को जो चोंगरा रामा वगैरह, इसको चश्मों की सरजमीन भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ ज़िला स्तर जो है कुदरती हुसन के साथ साथ मिनरल और मादनियात के हवाले से भी इसको मुनफरद मकाम हासिल है जो कि दुनिया में कहीं इस कदर मुश्तरक ये चीज़ें कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। इसके साथ साथ जो इसका खूबसूरत मौसम है, इस वक्त भी जून तकरीबन जून के दूसरे हफ्ते में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बिल्कुल सरद मौसम है। इसके साथ साथ घरों में भी इस वक्त भी पंखे इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ये तमाम जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें अता की हैं, ये मैं ये कहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला स्तर को जो है ये तमाम नियामतों से अल्लाह ने नवाजा है। तो मैं तमाम मुल्क भर के सियाहों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, जो इस वक्त लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के जो सताए हुए लोग हैं, वो यहाँ आके न सिर्फ इस मौसम से इंजॉय कर सकते हैं ज़िला स्तर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो ट्राउट है उससे भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। से आए लालकना से और टूर अभी भी निकले हुए हैं, चार पाँच दिन इधर ठहरेंगे और आगे जाएंगे, लेकिन बहुत हमारे को मज़ा आएगा। यहाँ देखा जा सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन क्रिएशन है रामा। यहाँ पर हज़ारों इकसाम के यहाँ पर फूल हैं, दरख्त हैं, चील हैं और झील है, जबकि सफ़ेद पहाड़ हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। इन तमाम चीज़ों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो सियाह जो यहाँ का रुख करते हैं वो अपने जो गारबेज हैं उसको डस्टबिन में डिस्पोज करें।